हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के प्रयागराज में जनवरी और मार्च के बीच होने वाली शादियों पर चुगी सरकार का बैन, ये है वजह। आप जनवरी और मार्च 2019 के बीच अपने यहाँ शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको बदलाव करना पड़ सकता है। अगर आपको शादी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करनी है तो आपको शादी की तारीख बदलनी होगी। अगर पहले प्रयागराज में शादी की प्लानिंग थी तो इससे बाहर जाकर भी शादी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले साल प्रयागराज में लगने वाले कुंभ के दौरान विवाह समारोह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। जिन लोगों ने गेस्ट हाउस, फंक्शन लॉन और कैटरर्स के लिए पहले भुगतान किया था वो सरकार के इस फरमान से दिक्कत में है। सैकड़ों को शादी की तारीख बदलनी पड़ रही है जो कि पहले ही तय हो चुकी थी, और कई लोग आसपास के जिले में स्थान बदलने की संभावना तलाश रहे हैं। इससे शादियों के बिजनेस में होने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह अपनी कमाई के लिए पूरी तरह से शादियों के सीजन पर ही निर्भर रहते हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक कुंभ स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद शादी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो कि अगले साल जनवरी और मार्च के बीच है। जिला प्रशासन द्वारा ऑर्डर की कॉपी शादी हॉल के मालिकों और होटलियरों को भेजी गई है। उनसे कहा गया है कि वे उस समय के दौरान की सभी बुकिंग रद्द कर दें। इस तीर्थ यात्रा के दौरान 5 मुख्य स्नान पवित्र स्नान होंगे। 2 स्नान जनवरी में होंगे, पहला स्नान मकर संक्रांति और दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा स्नान है। इसके बाद फरवरी में मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा स्नान और मार्च में महाशिवरात्रि का स्नान होगा। इस वार्षिक अनुष्ठान के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने प्रयागराज में कुंभ के दौरान गंगा नदी को साफ रखने के लिए 15 दिसंबर 2018 से 15 मार्च 2019 तक कानपुर के सभी चमड़े कारखानों को बंद करने का आदेश दिया गया था। मोदी सरकार ने कैंसिल किया मनीष सिसोदिया का ऑस्ट्रेलिया ट्रिप। अरविंद केजरीवाल बोले यह गंदी राजनीति है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्र ने विदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ऑस्ट्रेलिया में एक शैक्षणिक कार्यक्रम में जाने से इनकार करने का फैसला गंदी राजनीति करने जैसा है। दरअसल मनीष सिसोदिया ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर वहां एक कार्यक्रम था जहां वह इस करिकुलम के बारे में बताने वाले थे। दरअसल मामला पहली बार प्रकाश में तब आया जब मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि दिल्ली सरकार को वैश्विक स्तर पर अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अनुमति दी जाए। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी नहीं चाहते कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से खुशी की पाठशाला का पैगाम मैं दुनिया के सामने रखूं। दिल्ली के स्कूलों में शुरू की गई हैप्पीनेस क्लास के बारे में बात रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की मंजूरी मोदी सरकार ने नहीं दी, जिसके चलते मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी है। बयान के मुताबिक मनीष सिसोदिया जल्द ही 3 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। उन्हें पैनल चर्चा में भाग लेना था और कई साक्षात्कार देने थे जो शिक्षा में खुशी लाने में भारत की सफलता का प्रदर्शन करते। इसके बाद मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लिनिक पर ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया, मोदी जी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। मनीष को हैप्पीनेस क्लास बताने के लिए ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया, उन्हें भी अनुमति नहीं दी। भारत में हो रहे अच्छे कामों को विदेशों में बताने से भारत माता का नाम रोशन होता है, ये गंदी राजनीति है। नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार, जो मेरा मजाक उड़ाते थे वे अब अपना ही थूक चाट रहे हैं। पाकिस्तान यात्रा पर जाने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया था और करतारपुर कॉरिडोर का वादा किया था तो आलोचकों ने मेरा मजाक उड़ाया था, अब वही लोग यूटर्न लेते हुए अपना ही थूक चाट रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से पाकिस्तान नहीं जाने को कहा था। इस बाबत सवाल पूछे जाने पर सिद्धू ने कहा, कांग्रेस के 20 नेताओं ने मुझे जाने को कहा था, अलाक मान ने मुझसे जाने के लिए कहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे पिता समान हैं, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं पाकिस्तान से वादा कर चुका हूँ कि मैं आऊँगा।
मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने ही तो मुझे हर जगह भेजा है। हमारे कैप्टन साहब के भी कैप्टन राहुल गांधी जी हैं। राष्ट्रधर्म सबसे बड़ा धर्म। पाकिस्तान यात्रा पर सवाल पूछने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रधर्म होता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने कहा, जो राष्ट्र के हित के लिए होगा, जो कांग्रेस के हित के लिए होगा, मैं वह हमेशा करता रहूंगा। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मेरा नारा है। बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं, लाल किले पर झंडा फहराने वाले हैं। कोई रोक सके तो रोक ले। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के बारे में पूछने पर बोला कि उनके कैप्टन राहुल गांधी हैं और अमरिंदर सिंह सेना के कैप्टन हैं। बता दें कि पाकिस्तान जाने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस से भी इसको लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर का नींव रखे जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। इससे पहले उन्होंने इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की थी। बताया जाता है कि उनके पाकिस्तान जाने के फैसले से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश नहीं थे। यहाँ तक कि सीएम अमरिंदर ने उन्हें न जाने को भी कहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। हनुमान जी की जाति बताने वाले योगी के बयान के खिलाफ मंदिरों में प्रार्थनाएं की गईं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सद्बुद्धि के लिए शुक्रवार को शहर की आठों दिशाओं में हनुमान जी के मंदिरों में प्रार्थना की गई। इसके अलावा सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से हनुमान जी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थानी अभियान शुरू हुआ। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारक योगी ने हमारे हनुमान जी को जाति विशेष में बांटा है। यह रुद्र हनुमान जी का अपमान है। योगी के साथ ही भाजपा के नेता राजनीतिक फायदे के लिए हनुमान जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। अलवर में 27 नवंबर को प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को वंचित और दलित बताया था। राहुल ने कहा, कैसे हिंदू हैं मोदी? सुषमा ने कहा, दुविधा तो आपके धर्म पर है। भाजपा और कांग्रेस धर्म के मुद्दे पर शनिवार को आमने सामने हो गए। उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाए। इस पर सुषमा स्वराज ने कहा कि दुविधा तो राहुल के धर्म को लेकर है। राहुल ने कहा, किस तरह के हिंदू हैं मोदी? राहुल ने संवाद कार्यक्रम में कहा, हिंदुत्व का सार क्या है, गीता में क्या कहा गया है, इसका ज्ञान हर किसी को है। हर जगह ज्ञान फैला हुआ है, हर जीवित वस्तु के अंदर ज्ञान है। हमारे पीएम कहते हैं वे हिंदू हैं, लेकिन वे हिंदुत्व की नींव को नहीं समझते। वे किस तरह के हिंदू हैं? उन्हें लगता है कि संसार का सारा ज्ञान उन्हीं के दिमाग से निकलता है। सुषमा ने कहा, राहुल के धर्म पर दुविधा में कांग्रेस। सुषमा ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल उदयपुर उतरते ही भूलने की मानसिकता में आ गए। पहले उन्होंने रानी पद्मावती की जगह रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के हिंदुत्व होने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को राहुल के ही धर्म और जाति पर दुविधा है। बरसों तक कांग्रेस ने राहुल की छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की बनाए रखी, लेकिन चुनाव आते ही उन्हें लगा कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है। इसके बाद हिंदू की छवि बनाना शुरू की गई। सुषमा ने कहा, एक साथ शैव शाक्य और वैष्णव बन गए राहुल। सुषमा ने कहा, यहाँ तक कि संवाद में डंके की चोट पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में राहुल ने कहा कि वे हिंदू हैं, जिससे पूरा देश समझ ले कि वे हिंदू हैं। फिर कांग्रेस को लगा कि सिर्फ हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा, आस्थावान हिंदू होना जरूरी है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के कहने पर वे मानसरोवर यात्रा पर चले गए और लौटकर खुद को शिव भक्त बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दतिया पीठ जाओ, फिर कहा गया कि राजस्थान में पुष्कर जाओ, तो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, राहुल शैव शाक्य और वैष्णव भी बन गए। फिर बयान आया, राहुल जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। क्या जनेऊधारी ब्राह्मण के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि हिंदू होने का मतलब भी उनसे समझना पड़ेगा? भगवान न करे वो दिन आए जब हमें हिंदू होने का मतलब राहुल से जानना पड़े। राहुल ने कहा, घोटाला है नोटबंदी। राहुल ने कहा, नोटबंदी एक स्कैम है। इसका लक्ष्य छोटे उद्योगों को खत्म करना था, चाहे नोटबंदी हो या बब्बर सिंह का टैक्स। इनका साक्ष्य बड़ी बड़ी कंपनियों का रास्ता खोलना था। इसका मकसद था कि हिंदुस्तान के बड़े 15 उद्योगपतियों को मौका दिया जाए। इस दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में एक समस्या है, जितना पैसा पब्लिक हेल्थ केयर में जाना चाहिए उतना जाता नहीं है। इसका ठेका अनिल अंबानी जैसे लोगों को दिया गया। अगर यूजर को किसी से इंश्योरेंस लेना है तो अनिल अंबानी से ही लेना पड़ेगा। राहुल ने कहा, मोदी ने सेना का इस्तेमाल किया। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक बना दिया।
मोदी सरकार ने इसका फायदा उठाया। उन्हें पता था कि वे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रहे थे, इसलिए उन्होंने सेना का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कृषि बीमा के संदर्भ में अनिल अंबानी को 6 राज्यों में अलग अलग जिले में जिले सौंप दिए गए। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा, यही काम शिक्षा और स्वास्थ्य में भी होने जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान सरकारी है, क्योंकि ये सिर्फ फायदे के पीछे नहीं दौड़ रहे बल्कि ये सेवा करना चाहते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।